नमस्ते, मैं हूं अभिजीत देशमुख। मेरे पीछे का नज़ारा देख के आपको पता ही चल गया होगा कि मैं हूं ऐतिहासिक ओवल स्टेडियम पे, जहां पे भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया का ऐतिहासिक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 7 जून बुधवार से शुरू होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि भारतीय क्रिकेट संघ और ऑस्ट्रेलिया टीम दोनों ने अभी तक ICC के तीनों मेजर इवेंट जीत चुके हैं, फिर चाहे वो वनडे वर्ल्ड कप हो, T20 वर्ल्ड कप हो या ICC चैंपियंस ट्रॉफी हो। लेकिन जो चौथी बड़ी ICC ट्रॉफी है, ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, वो दोनों ही देशों ने आज तक नहीं जीत पाई है। तो ये एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका है भारतीय संघ के लिए और ऑस्ट्रेलिया संघ के लिए, क्योंकि जो भी इस ट्रॉफी को उठाएगा वो पहला ऐसा देश बनेगा जिन्होंने ICC के चारों मेजर ट्रॉफीज जीत चुके हैं। एक सर्कल कंप्लीट कर लेंगे चार मेजर टूर्नामेंट्स जीतने का। दोस्तों आज डे -1 ऑप्शनल प्रैक्टिस का दिन था, इस वजह से भारत के काफ़ी खिलाड़ी इस प्रैक्टिस में नहीं आ पाए। भारत की तरफ से रोहित शर्मा, आर अश्विन, विकेटकीपर बैट्समैन KS भरत, उमेश यादव और यशस्वी जायसवाल आज यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए आए थे। मुझे लगता है ये एक शायद एक क्ल्यू है कि हमें पता चल गया है कि कौन ऐसे खिलाड़ी है जो प्लेइंग 11 में ना रहे। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद पिच को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये पिच काफ़ी ग्रीन है, शायद इंडिया चार पेस बॉलर्स के साथ जाएंगे, इस वजह से शायद आर अश्विन प्लेइंग 11 में ना हो। यशस्वी जायसवाल के चांसेस तो पहले से ही कम लग रहे थे, शायद वो भी इस टेस्ट मैच में प्लेइंग 11 में ना खेले। तो ओवरऑल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, रोहित शर्मा ने सबसे पहली बात ये कही थी कि लास्ट जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल हुई थी उससे हमने काफ़ी कुछ सीखा है। जो मिस्टेक्स हमने उस टेस्ट चैंपियनशिप के टाइम पे दोहराए थे वो हम इस टाइम नहीं दोहराना चाहेंगे। एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है रोहित शर्मा जो भारतीय सिंह के कैप्टन है, क्योंकि लास्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जब खेली गई थी तब भारतीय ने संघ ने अपनी प्लेइंग 11 टेस्ट मैच शुरू होने के एक दो दिन पहले ही डिक्लेयर कर दी थी। इससे न्यूजीलैंड को टाइम मिल गया था कि इसके काउंटर कौन से प्लेइंग 11 हम उतार सके, और रिजल्ट आप सभी को पता है कि न्यूजीलैंड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जीत चुका था। उस टेस्ट मैच में भी एक दिन पूरा वॉशआउट हुआ था, तो कह सकते हैं कि चार दिन में लगभग ये टेस्ट मैच खत्म हुआ था। तो रोहित शर्मा ने अभी तक, यह भारतीय संघ ने अभी तक प्लेइंग 11 की घोषणा नहीं की है, एक सस्पेंस सा रखा है जो टॉस के टाइम पे हमें मालूम पड़ेगा। ओवरऑल रोहित शर्मा ने आज काफ़ी, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस हमेशा ही अच्छे होते हैं, मजाकिया होते हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह 9:15 हुई, तो उन्होंने कहा था कि मुझे पता नहीं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस इतनी जल्दी भी होती है, तो काफ़ी मजाकिया मूड रहा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज लेकिन जब वो फील्डिंग कर रहे थे तो उनके दाएं थंब पर एक इंजरी लगी। जब वो प्रैक्टिस कर रहे थे थ्रोइंग की तो उनके लेफ्ट थंब पे बॉल हिट कर गई, तो इस वजह से उन्होंने तुरंत फिजियो को बुलाया, फिजियो ने उस पर क्रेप बैंडेड अप्लाई की। रोहित शर्मा ने उसके बाद ग्लव्स पहने बैटिंग के लिए गए, लेकिन उन्होंने बैटिंग प्रैक्टिस नहीं की, शायद वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे। कुछ और अगर इंजरी होती है उन्हें तो शायद वो कल जो होने वाले टेस्ट में मैच में ना खेल पाए, इसलिए उन्होंने बैटिंग प्रैक्टिस नहीं की। जब वो पवेलियन की तरफ वापस जा रहे थे तो हमने उनसे पूछा कि इंजरी कुछ सीरियस है का, तो उन्होंने कमेंट करने से मना कर दिया। ओवरऑल रोहित शर्मा एक काफ़ी सुधरे हुए खिलाड़ी है, मैच्योर है, काफ़ी सालों से भारत के लिए खेले, तो उन्हें पता है क्या चीज़ें नेसेसरी है क्या नहीं है। जिस तरह से काफ़ी बाकी खिलाड़ी भी आज प्रैक्टिस के लिए नहीं आए थे तो उन्होंने भी रिस्क नहीं लिया, एंड आई थिंक वो काफ़ी मैच्योर डिसीजन भी है, क्योंकि मैच में खेलना उनका काफ़ी बड़ा कैप्टन है, काफ़ी बड़े वो प्लेयर है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है उनका रोल इस टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए। पैट कमिंस की भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी काफ़ी कम खिलाड़ी आज इस ऑप्शनल ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट किया, चार या पांच ही खिलाड़ी थे जो आज ट्रेनिंग सत्र में जो शामिल हुए। ओवरऑल दोनों टीम बैलेंस लग रही है, क्योंकि दोनों ही टीम के पास अच्छा पेस बॉलिंग अटैक है, बैटिंग मैं कहूँगा कि इंडिया की तरफ से शायद थोड़ा सा एडवांटेज है कि काफ़ी दिग्गज खिलाड़ी है, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, शुभमन गिल भी काफ़ी अच्छे फॉर्म में, अजिंक्य रहाणे भी कमबैक कर रहे हैं
विराट कोहली भी है, रोहित शर्मा खुद एक बड़े दिग्गज खिलाड़ी है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा से कहा कि आप जो आपके ओपनिंग बैटर पार्टनर रहेंगे शुभमन गिल, क्या उनको आप कुछ एडवाइस दोगे इतने अच्छे फॉर्म में, तो उन्होंने कहा कि नहीं, शुभमन काफ़ी कॉन्फिडेंट खिलाड़ी है, काफ़ी अच्छा खेल रहे, तो मुझे उनको एडवाइस देने की ज़रूरत नहीं है। सभी खिलाड़ियों को जो टीम है उनको पता है अपना रोल क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ओवरऑल एक लीडर की तरफ से काफ़ी अच्छे पॉजिटिव वाइब्स आ रहे थे, काफ़ी कूल एंड कंपोज लग रहे थे रोहित शर्मा। तो काफ़ी कुछ घंटों की बात है और भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया का ओवल मैदान पे टेस्ट मुकाबला आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल शुरू होगा। अभिजीत देशमुख, रेप स्पोर्ट्स के लिए लंदन।